बच्चों, मैं नमिता विश्वास, 6 कक्षा का तेरा पाठ। कविता का शीर्षक, मैं सबसे छोटी हूँ। तो बच्चों, मैं सबसे छोटी हूँ, इसका लेखिका कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। तो इधर ये कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने मैं सबसे छोटी हूँ तो बोलते, मैं सबसे छोटी हूँ। बोलो, ये एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ कैसे प्यार में रहता था, माँ कैसे बचपन में उसे प्यार करता था, तो उसी के बारे में लिखे हैं। आप तो जानते हो बचपन में माँ आप लोग को, बच्चे लोग को कैसे प्यार करता है। वो बच्ची चाहती है कि मैं बड़ा हो गई, माँ अब नहीं करती है, अपना कार्य को करने को बोलती है। ऐसे ही जब छोटी थी माँ का प्यार सभी, अभी बड़ा हो गए ना, तभी माँ का सभी प्यार मेरे को अभी याद आती है। तो ऐसे ऐसे था, मैं छोटी जब था ऐसा करता था, माँ मेरे को क्या करता था, माँ पर छोड़ कर बच्चे चलती रहती थी तो होकर माँ हाथ पकड़ता था चलता था। जो छोटी होती थी संभव धुलवाना था, खाना पीना कपड़े पहनना सभी देता था। अभी बड़ी हो गई, वो खुद करने को बोलती, इसलिए मेरे को छोटी होना अच्छा है, छोटी होना मैं चाहती हूँ। तो मैं सबसे छोटी हूँ कविता का अभी पाठन कर रही हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरे गोदे में सोऊँ, तेरा अंचल पकड़ कर फिरी सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनकर पहले हम तू पीछे डलती है मौत, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ, नहीं पीती दिन रात, अपने घर से खिला धुला मुख, धूप धूल पोछ अजित कर गात, हमारा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसे बड़ी ना हूँ मैं ते स्नेह ना क्यों बात, तेरे अंचल की छपा में छिपू से नो निभाए, कहूँ दिखा दे चंदा कहा दिखा दो चंद्रा दे। तो बच्चों, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में छोटी बच्ची अपनी माँ का प्यार का बता रही है। तो क्या ने मैं से पहले पंक्ति में बोलती, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सो जाऊँ, तो बोलती है ऐसे, इसलिए कहती है कि बड़ी बनकर वो माँ प्यार नहीं करना चाहती, इसीलिए वो छोटी होना ऐसे ही बड़े बोलता है, ऐसे बड़े बनने के क्या लाभ है, जिसमें माँ हाथों से खिलाने ना पहना तेरा तेज, माँ बच्ची को बड़ी होने नहीं देती है, उससे हाथ छोड़कर अपने कामों में खिलते हुए बच्ची बोलती है, तेरी गोदी में छुट्टी होकर मैं तेरी गोदी में सो जाऊँ, तेरे अंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ू तेरा हाथ, बोलते मैं छुट्टी हो जाऊँ तेरी गोद में सो जाऊँ, तेरा अंचल तो साड़ी का जो अंचल है पकड़ते हैं उसके बोलते अंचल, तो अंचल पकड़ कर फिर सदा मैं तेरे साथ, कभी ना छोड़ू तेरा हाथ, आंचल को पकड़ कर तेरा हाथ पकड़ कर चलते रहूँ, मैं कभी तेरा साथ हाथ नहीं छोड़ूंगा, बड़ा बनाकर पहले हमको बोलते बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे ढलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ, नहीं खेलती दिन रात, वो बोलती है ये बचपन का माँ प्यार सत्य मिलता था, सारी चिंताएं माँ पर छोड़ते थे, तो छोटी होकर माँ का हाथ पकड़ कर उनके साथ घूमने का, माँ का हाथ खाना मुँह धोना चलना होता था, माँ अंचल पकड़ बच्चे घूमता रहता, माँ की गोदी में सुनाता था, बच्चे खुद पढ़ी कथा भी माँ सुनाता था। तो वही बोलती है बड़े होने पर कैसे अलग, तो बड़ा बनाकर बच्चे को जैसे अलग रहने का, क्योंकि बड़े होने पर माँ दिन रात बोलते है बड़ा बनाकर हमको, क्योंकि माँ दिन रात हमारा साथ नहीं हो पाती, यहाँ पहले खिलौना देते थे आप, खिलौने के लिए छोड़ देती थी, अब फिर हमें विद्यालय भेज देती है, बोलते तुम खुद खाओ पियो जाओ, बच्चे जिम्मेदारी डालो अपनी संभालो, अपने करके खिला धुला कर धूल फिर, वो बोलते हैं हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं दिन रात, तो और हाथ पकड़ कर दिन रात हमारा नहीं देती है नहीं छूटती, तुम अपने करके खिला तुम्हारा कर धूप सजित कर रात, तो हमारा खिलौने नहीं चुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो बच्चे बोलते है माँ को, तो अभी बड़े हो जाते हैं तो अभी तुम हमको तो क्या है छोटे बनकर जो कहानी है, तो बड़ा बनकर तो हमें तो बच्चे पर जिम्मेदारी जो है डल देती है, पढ़ाई परीक्षा खेल कुछ अभी करो, और बच्चे सुद परियों को कथा सुनने का मौका मिलता नहीं, बच्चे हाथ कभी नहीं छोड़ते, इसीलिए बचपन सुहाना होता है, बार बार वो माँ को कहती रहती है, भूल पोछे सजित कर बात, कि हमारे खिलौना नहीं खिलने देते हम सुखद परियों को बात भी नहीं सुनाता, ऐसे बड़ी ना हूँ मैं तेरे स्नेह न रखूँ, इसमें बड़ी नहीं हूँ मैं छोटा रह जाऊँ, मेरे बड़ी ना हो ना तुम्हारा प्यार से वंचित ना हो, तो बोलते स्नेह ना खूँ तो मेरे प्यार से वंचित ना हो, तेरे अंचल के छाया में तेरे जो प्रकार अंचल तेरे अंचल का छाया में रहूँ छिपी रहूँ सिनु बोलता है, मैं
के अंचल के छाया संसार सबसे सुरक्षित स्थान है। यहाँ बिना किसी का डर नहीं है, यहाँ किसी प्रकार खतरा भी महसूस नहीं है, तो यहाँ लोगों की बुरी संगत भी नहीं है, हमारी स्वस्थ सफाई होता है, इसलिए माँ अंचल दुनिया का सबसे सुरक्षित है। तो बोलती है सुरक्षित रहते हैं इसीलिए ना कला कर तो, जिसमें मेरे को कविता में बच्ची सबसे अपनी माँ को ऐसी बोलती रहती है। तो छिपी नौ शिशु निर्भय को ही दिखा दे चंद्रमा, तो मैं तुमको बच्चा होकर जब चंद्रमा का दिखाता था रात को दोस्ती तल होते तो चंद्रमा आती है इसी प्रकार। तो उत्तर में माँ विशेष बोझ क्या कि तू हमको वही चंद्रमा भी ऐसे दिखाती रहो, मैं बड़ा ना हूँ, मैं छोटा बनकर रहूँ, तो मैं ऐसे सबसे छोटी हूँ। तो लिखी कवि कवि के लिए कविता के लिखी कौन, सुमित्रा नंदन त्रिपाठी ने एक बच्चे अपनी माँ के प्यार का इजहार किया है। तो सभी बच्चे आप अपने के माँ का बचपन का या बातें सब भी याद करते, जब बड़े होते हैं तो देखते हो माँ आपसे दूर होता है, क्यों माँ खुद आप ना खुद कपड़ा पहनो, खुद टिफिन मेरी मम्मी देता है, रखो करो स्कूल जाते हो। तो जब बच्चे थे तो हम लोग बच्चे को जैसे छोटे बच्चे को सभी कुछ करना पड़ता था, वहाँ का आंचल में बोलते वहाँ का आंचल नहीं छोड़ू, सपना कहानियाँ सुनाते रहता रहूँ, तो मैं वहाँ का आंचल में जो सुरक्षा है वो वहाँ नहीं है, तो मैं सबसे बच्चे रह कर रहूँ। तो बच्चों अभी ये कविता का जो पंक्तियाँ है सब रात समझा दी, अब इसका मैं सबसे छोटी हूँ का अभी प्रश्नोत्तर हम लोग अभ्यास करेंगे। तो बोलते हैं कविता से, कविता में सबसे छोटे होने का कल्पना क्या है, दे माँ का प्यार मिलता था, माँ का आंचल में रहता था, माँ का साथ मिलता था, पका खिलना खाना खिलाता था, परियों का कान सुनता था। तो कविता में ऐसी बड़ी कौन हो जाऊँ तो तुम्हें क्या हमेशा पसंद है, तो बच्चे साथ रहना पसंद है, बड़ी बनना पसंद नहीं है, जिससे माँ का प्यार दूसरा पाना सके, बड़ी होकर माँ के प्यार खोना पड़ता है, इस कविता में ऐसे बड़ी होने का दुख होता हूँ, तो मैं हमेशा छोटे बनने का पसंद करता हूँ। तो तीन में क्या है, क्या है आशा स्पष्ट करो, हाथ पकड़ कर फिर तुम्हारा साथ में था, इस कविता में आशा यह है बच्ची अपनी माँ का सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े होकर जाने पर उसका हाथ छूट जाता है, इतना छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची को साथ रह कर देती है, ऐसा ही वैसे नहीं तो हमेशा माँ का साथ कहती है। तो चार क्या है, अपने छुटपुट के बच्चे अपने माँ के बहुत करीब होते हैं, इस कविता में नज़दीक कौन सीते हैं, माँ के गोदी में सोना और परियों का कान सुनना, उसके आंचल पकड़ चलना, उसके हाथ का खाना खाना, इस कविता नज़दीक स्थितियों को बनाए कि माँ का संजन रहना, माँ का प्यार सब समय पाना। तो एक तुम्हारी माँ तुम लोगों को क्या क्या काम करते है, सभी काम करती है, बच्चों क्या करती है, हमें कभी कभी अपने अलग नहीं करने देती, दिन रात हमें साथ देती है, हमें प्यार देती है, हाथ से खाना खिलाती है, नहीं लाती है, परियों पानी पीते, ज़रूरत हो तो सभी काम हमारा करती है। तो दूसरी प्रश्न क्या है, वो क्यों कहा गया कि बड़ा बनकर बच्चों तो क्योंकि माँ उसका साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि तब उसे नहलाती है नहीं नहलाती है, परियों का नहीं सुनाती, खाना वो खिलाती नहीं थी, इसलिए वही सुनाती है। तीन नंबर क्या है, उन क्रियाओं को देता है कविता माँ को अपनी बच्ची को कहते हैं, माँ अपनी बच्ची तो अनसर है, गोदी चुलाती है, पकड़ पकड़ साथ करती है, तो नहलाती है, सजाती है, सवारती है, स्कूल भेजती है, कहानियाँ सुनाती है, अच्छी बातें सिखाना पड़ती है। तो अनुमान और कल्पना क्या है इस कविता में बच्चों, तो पश्चिम प्रतिदिन के लिए बात क्यों आ रहा है, चांद उदित को तो करो और अपनी कके मिलो, बच्चों चांद उदित होने का देखना अत्यंत रोचक लगता है, तो देखते रहते होता है जीत करने के, इसलिए कभी हम कहते हैं चंद्रोदय दिखाने के लिए बात कहेंगे, चंद्रोदय दृश्य अत्यंत सुहाना होता है, चांदनी रात बहुत शीतल लगती है आँखों के और हृदय ठंडक पहुँचाती है। दूसरी क्या है, इस कविता में पढ़ने के बाद बच्ची उसकी माँ चित्र तुम्हारे ऊपर तो कहानी क्या क्या करवाती है, बच्ची बरसात उनके पीछे घूमती रहती है, माँ को बैठती है, मिनट चुप नहीं रहते, कई तरह का सवाल पूछते रहती है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, उसी में क्या तुम जाते हो, जीत करती रहती है माँ बेटी का प्यार इधर बचाया गया है। तो तीन क्वेश्चन क्या है, उन माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती थी, मौके उसकी दिन भर बदल गया है, मैंने जाने के लिए पर किसी और जाने के लिए तो हर दिन इन अवसरों के चर्चा लिखो, माँ अपना एक दिन प्रातःकाल उठकर रात्रि सोने तक प्रिय काम पूरा करने कुछ रहती है, पात्र धरती है, खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है, सफाई करती है, कपड़े धोती है, भोजन तैयार करके सबको देती है। तो और क्या भाषा की बात, तो बच्चों दूसरी पेज का
प्रश्नों की बात करके नीचे दिए गए शब्द अगर बताओ तो उनमें क्या फर्क स्नेह और प्रेम। स्नेह क्या? छोटे के लिए प्रेम, माँ अपने बच्चों को स्नेह करती है। प्रेम राम और लखन प्रेम इस चाल है। शांति नेह घर में इतनी शांति क्या है? सन्नाटा शांति में सन्नाटा तो रात के वक्त का में सन्नाटा जाता है। धूल मिट्टी बोलते हैं तो धूल प्रदूषण होता है। राख को राख भी करते हैं लड़कियां। कोयल जल्दी बात की राख कोयल देती है। ग्रह नक्षत्र को तो वैज्ञानिक सूर्यमंडल आठ ग्रह बनाते हैं। गृह ग्रह गृह घर और जैसे गृह कार्य है तो निधन मृत्यु सेठ जी निधन हो गया। निधन गरीबी हमारे देश में निधन आती है। सम्मान मैंने बराबर हमारे देश में सभी लोग समान अधिकार मिलना चाहिए। सम्मान वस्तु घर में सामान बिखरा पड़ा है तो क्या है? और बच्चों कोई कुछ करने को कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी समूह रखो। एक समूह में जो छोटे बच्चा रखना चाहिए क्या लिखना है तो बोलो मैं छोटा बनना चाहता हूँ क्योंकि माँ के साथ रहना चाहती हूँ। दूसरे समय बड़ा होने का क्या है तो मैं बड़ा होकर अपने माता पिता का सेवा करना चाहता हूँ। तो बच्चों अभी छः कक्षा का तेरा पाठ कहानी क्या है? तेरा पाठ कविता का जिससे क्या है? मैं सबसे छोटी हूँ तो ये कविता बहुत अच्छी है। मजेदार भी है। सभी घर में है, सभी माँ का बेटी का रिश्ता और प्यार का है। तो बच्चों बच्ची वो छोटी रहना चाहती है, कभी बड़ी होने नहीं चाहती है क्योंकि अपनी माँ का प्यार सब समय वो चाहती है। रहना चाहिए सभी समय मेरे को माँ का प्यार चाहिए। माँ का आंचल के नीचे मेरे को सभी सुरक्षित है तो मैं माँ की सभी याद आती है। तो सभी बच्चे लोग बड़े होकर कोई चाहता है मैं माँ बाप का सेवा करना तो ये बच्ची बोलती है मैं छोटी ही रहना चाहती हूँ। तो बच्चों ये कविता का पठन पूर्ण हुई, प्रश्न पूर्ण हुई और कोई भी प्रश्न पूछनी है तो पूछ सकते हो। आज के लिए बस। मैं सबसे छोटी हूँ के कविता का पठन संपन्न हुई। दूसरी वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए बच्चों।